पहेली नंबर एक, मिर्ची मुंह के अलावा सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? दोस्तों इस पहेली का आंसर है खेतों में लगती है। आपने क्या सोचा कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट पहेली। पहेली नंबर दो, वो क्या है जो साल में एक बार, महीने में दो बार, सप्ताह में चार बार, दिन में छह बार आता है? इस पहेली का आंसर है ओड नंबर, जिसको अपन विषम संख्या कहते हैं। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें एक और दो फिगर होता है, इसमें एक ओड नंबर है, और महीने में चार सप्ताह होता है, इसलिए इसमें वन और थ्री ओड नंबर है, सप्ताह में सात दिन होते हैं, और इसमें चार विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, और दिन में 12 घंटे होते हैं, और छह ओड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। पहेली नंबर तीन, जब मैं कपड़े उतारता हूँ तब आप कपड़े पहनते हो, और जब आप कपड़े उतारते हो तब मैं कपड़े पहनता हूँ, अब बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का आंसर है क्लॉथ हैंगर। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। पहेली नंबर चार, ऐसी कौन सी चीज है जो कड़ाके की ठंड में भी पिघलती है? इस पहेली का आंसर है मोमबत्ती। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताएं। पहेली नंबर पांच, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है, अब बताओ वो क्या है? इस पहेली का आंसर है टाइपराइटर। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताएं। पहेली नंबर सिक्स, वो कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं? इस पहेली का आंसर है वह है आपका नाम, जो ज्यादातर दूसरे लोग ज्यादा यूज करते हैं। पहेली नंबर सात, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बहुत बुरा माना जाता है लेकिन फिर भी लोग उसको पीने की सलाह देते हैं? इस पहेली का आंसर है गुस्सा। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताएं। पहेली नंबर आठ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बहुत से लोग होते हैं लेकिन फिर भी हर कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है? इस पहेली का आंसर है परीक्षा हॉल। पहेली नंबर नौ, वो कौन है जो अगर आपकी नाक पर बैठता है तो आपके कान जरूर पकड़ता है? इस पहेली का आंसर है चश्मा, जो कानों के सहारे टिका रहता है। पहेली नंबर दस, एक आदमी दुबई में अपने केबिन में बैठा था, जब वह केबिन से बाहर निकला तो वह मुंबई में था, बताओ कैसे? इस पहेली का आंसर है
क्योंकि वो पायलट था। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।